हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं टर्बो एचडी डीवीआर हिकविजन में हार्ड डिस्क फिट कैसे करते हैं, हार्ड डिस्क अटैच कैसे करते हैं। दोस्तों तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, आज आपको बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी वाली वीडियो दिखने मिलने वाली है। अगर दोस्तों आप पहली बार मेरे वीडियो पर आ रहे हैं यहाँ पर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों चलो डीवीआर को ओपन करते हैं और देख लेते हैं हार्ड डिस्क कैसे फिट करते हैं। दोस्तों तो दोस्तों ये रेड वाली पन्नी में है वो हमारा डीवीआर है हिकविजन का, उसको हम पहले ओपन कर लेंगे और उसके सारे स्क्रू हम ओपन करेंगे। चारों तरफ से स्क्रू निकालेंगे और उसका जो फ्रंट कवर है, ऊपर का कवर है, वो हम निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हिकविजन का मेटल बॉडी का डीवीआर है, 8 चैनल का 4 ऑडियो विथ आईपी कैमरा सपोर्टेड डीवीआर का। देखिए उसके 2 स्क्रू पीछे हैं और 2 स्क्रू साइड में भी हैं लगे हुए हैं। टोटल 6 9 स्क्रू है, तो हम इसको पहले ओपन करेंगे। इसके साथ देख लेते हैं, ये हार्ड डिस्क का केबल है दोस्तों और एक मैनुअल कवर है जो हार्ड डिस्क में लगने वाला केबल है, पावर का और एक साटा केबल है। उसको इसको ध्यान से रखें और इसके साथ हार्ड डिस्क के स्क्रू भी आते हैं, डीवीआर के बॉक्स पे ही आते हैं हार्ड डिस्क के स्क्रू, ये रहे। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहना, मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि डीवीआर के अंदर हार्ड डिस्क अटैच कैसे होती है। तो दोस्तों हम पहले सारे स्क्रू ओपन कर लेंगे, स्क्रू खोल देंगे। दोस्तों ये 2 स्क्रू हैं यहाँ पे और 2 2 स्क्रू साइड में भी लगे हुए हैं, टोटल 6 9 स्क्रू है लगे हुए हैं यहाँ पे। दोस्तों मैं ऐसे ही टेक्नोलॉजी वाली वीडियो बनाता रहता हूँ, इसीलिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों मैंने कवर को ओपन कर चुका हूँ, ये हार्ड डिस्क दोस्तों, और ये तो दोस्तों देखो ऐसे फिट होगी। उसकी बैक साइड इसके हार्ड डिस्क के स्क्रू फिटिंग होंगे ताकि ये डीवीआर के साथ फिटिंग हो जाए। दोस्तों पूरा वीडियो अच्छे से ध्यान से देखना तो ही आपको पता चलेगा कि कौन सा केबल कहाँ लगेगा और हार्ड डिस्क फिटिंग कैसे करनी है हमें। ऐसे पीछे से हार्ड डिस्क के होल हमें देखने हैं, हमें मैच करने हैं, उसके बाद हमें ऐसे धीरे से स्क्रू को फिटिंग करना है। दोस्तों चारों स्क्रू फिट हो चुके हैं, दोस्तों हमारी हार्ड डिस्क फिट हो चुकी है डीवीआर में। अब हम केबल अटैच करेंगे। देखो दोस्तों यहाँ पे पावर का और साटा केबल अब अटैच करेंगे। दोस्तों वीडियो का अंत तक बने रहना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। देखो दोस्तों इस अटैक ये पावर केबल हमने लगा चुका है और ये है साटा केबल, हार्ड डिस्क में हमने अटैच कर दिया है। दोस्तों इसको अच्छे से फिटिंग करेंगे, ये लूज ना रह जाए इसका ध्यान रखें। दोस्तों अच्छे से फिट हो चुका है ये, मतलब ये हार्ड डिस्क फिट हो चुकी है दोस्तों हमारे डीवीआर में। ऐसे ही ओनली दो केबल लगाने होते हैं, ये फिट हो चुकी है, हम इसके कवर लगा देंगे। दोस्तों ये था हमारा डीवीआर में हार्ड डिस्क फिटिंग का वीडियो, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देगा। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही टेक्नोलॉजी वाले अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय हिंद।